गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने टेंस का पढ़े थे। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य का अध्ययन किया था। साधारण वाक्य के बाद में अफर्मेटिव के बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के अंदर सबसे पहले अपने को देखना है यूज किसका होगा, डू का और डज का होगा। इसकी जो बनावट होगी, वाक्य की जो रचना होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज का प्रयोग, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब अपने को देखना कि डज का यूज किसके साथ होगा और डू का प्रयोग किसके साथ होगा। तो नोट लगा के लिख लेना इसके नीचे या फिर ऐसे लिख लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता के साथ डज साइक्री आएगी, या बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो इसको, हेल्पिंग वर्ब और संक्षिप्त में इसको बोलते हैं HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एकवचनकर्ता के साथ डज साइक्रिया का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा तथा प्लूरल सब्जेक्ट या आई प्लूरल सब्जेक्ट या आई प्लूरल सब्जेक्ट व आई के साथ डू का प्रयोग होगा। समझ में आया? यानी कि एक वचन करता है ही है, सी है, इट है, उसके साथ या फिर एक वचन करता है सिंगुलर है उसके साथ तो जाएगा डज आएगा, यानी कि साइक्रिया क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट आई भी आएगी, यू है, वी है, दे या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट उसमें रखे हैं उसके साथ है डू का प्रयोग होगा। वाक्य की रचना इस प्रकार से होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डू और डज आएगा, उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और अपना पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि राम किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है। कल मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव की पहचान बताई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं। तो अपने जो पहचान है वो ये मिल गई यहाँ पर ता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, अब इसमें आया है नहीं, नहीं का मतलब होगा यानी कि वाक्य जो है वो है नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है, राम है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में अपने को लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अब राम एक वचन है या फिर बहुवचन है, एक वचन है तो क्या आएगा डज आएगा, अगर बहुवचन है तो क्या आएगा डू आएगा। तो राम तो एक वचन है तो एक वचन है तो इसके साथ आ जाएगा डज। डज के बाद में क्या लिखना है, नोट लगाना है, नोट लगा दिया,
उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, कौन सी फॉर्म करनी है, फर्स्ट फॉर्म करनी है। और अपने पास वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, किताब, तो ये क्या लेगा, बुक हो जाएगा। अब देखिए ये जो वाक्य होने के बाद में, अब राम किताब नहीं पढ़ता है, अब इसके साथ एस और एस का यूज होगा या नहीं होगा। राम डज नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, मेरे पास, सॉरी, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए इसकी पहचान ते है, परजेंट का वाक्य है, नहीं है नकारात्मक का है, यानी कि नेगेटिव का है, और ये है सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम है, हमको बोलते हैं वी, वी मनी हम। उसके बाद में वी के साथ क्या आता है, वी एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्रथम सब्जेक्ट के साथ, वह आई के साथ क्या आता है, डू का प्रयोग होता है, डू आ जाएगा। और उसके बाद में नोट आ जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, प्ले, क्रिकेट। इसके बाद में है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी वाक्य की जो रचना हो वो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले वर्ब आएगी डू और डज, डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में वाक्य के एंड में, अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये होगी इसकी वाक्य की रचना, यानी कि सबसे पहले डू और डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसका जो प्रश्न होगा, पहला एग्जाम्पल है वो है क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, और अंत में प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा क्या वह बाजार जाता है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्या है, वह है, ये एक वचन है या बहुवचन है, क्या है, एक वचन है, तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आता है, डज आता है, डज ही, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया, अब ये है जाना, जाता, जाता क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो अपने पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू और डज का यूज हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया। अब क्या लिखना है अपने को, वर्ब, जाना, जाना मानी गो, गो। उसके बाद में कहां जाता है वो, मार्केट, तो ये हो जाएगा गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इंटरोगेटिव मार्क्स हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल इसमें, क्या क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आता है, डज आता है, डज राम, डज राम प्ले क्रिकेट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है इसमें, क्या हम
विद्यालय जाते हैं, क्या हम विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है प्लूरल दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट जो वो क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा डू, वी गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इसी में प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब्स, यानी ये जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान बताती है। अगर ये किसी सेंटेंस में वाक्य में आपको दी हुई है तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, यानी आपको उस सेंटेंस में ऑलवेज अगर दिया हुआ है तो समझ जाना कि ये सेंटेंस है किसका है प्रेजेंट टेंस का है। नेवर मिलेगा, यूजुअली मिलेगा, सेल्डम, डेली, frequently, rarely, scarcely, sometimes, often, each, day, every day, adverbs of time, etc. यानी कि इत्यादि, यानी कि ये जो एडवर्ब है ये पहचान किसकी कराती है प्रेजेंट सिंपल की पहचान कराते हैं या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कराती है, यानी कि ये आपको पहचान के तौर पे वाक्य के अंदर सेंटेंसेस के अंदर आपको ये वर्ड आपको मिल सकते हैं और इन एडवर्ब की सहायता से आपको यह पता लगेगा कि ये सेंटेंस है जो है ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो इन एडवर्ब्स को अच्छे से याद करना, यानी कि ऑलवेज है, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, डेली, समटाइम्स, स्केसली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ईच डे, एवरी डे और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये जो एडवर्ब है ये आपको अच्छे से याद करनी है। आज जो पढ़ाया है इनको अच्छे से याद करना, अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करना और इनको याद करना।